माहे शाबान के लिए, माहे शाबान माहे रजब के बाद एक और बेहतरीन महीना है जिस महीने को रसूल खुदा ने अपने आप से नस्बत दी है। और इसी महीने के अंदर कमाल ये है कि जैसे अहले बैत के घरों में पूरा कुरान नाजिल हो रहा है, पहली शाबान की विलादत से लेकर 15 शाबान तक लग रहा है कि कुरान यहीं आ रहा है। हर एक विलादत जो है वो आने वाले वक्तों के लिए इस्लाम की बका महसूस हो रही है। यानी सफ़र इश्क की इब्तदा हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत ज़ाहिर है, जहाँ हुसैन का ज़िक्र हो वहाँ ज़ैनब का ज़िक्र ना हो तो ज़िक्र अधूरा है। और यही वजह है कि शायर ने एक सतर में एक जुमले में समेट के रख दिया कि करबला करबला मी मांद अगर ज़ैनब न बूत, करबला करबला में रह जाती अगर ज़ैनब ना होती। तो यही कमाल है बीबी का कि बीबी ने उस पैगाम को पहुंचाया और दुनिया में आके भी यही बताया कि अपने भाई के साथ साथ इस दुनिया में भी आना है और हर कदम पर अपने भाई के साथ रहना। इंशाल्लाह तौफीक होगी तो उनके बाकी जुमलों पर गुफ्तगू करेंगे। तो भाई माहे रजब माहे शाबान रसूल खुदा का महीना है, कसरत से दुरूद भेजिए इस महीने में जितना आप दुरूद भेज सकते हैं। दो तरह की इस्तग़फ़ार हैं, मफातीहुल जना कोई और किताब दुआओं की आप खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दो इस्तग़फ़ार हैं इस महीने के अंदर। एक सलावात शाबानिया है जो थोड़ा सा तुलानी है, लेकिन हर रोज़ ज़ोहरैन की नमाज में अगर पढ़ें या ज़ोहर के बाद पढ़ें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और एक चीज़ जो इस माहे शाबान में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुहिम है, वो मनाजात शाबानिया है। यानी वो मनाजात के जो शाबान में की जाती है, और उलमा यही कहते हैं ये जो मनाजात है, ये जो दुआ है, ये सारे आयम्मा ने इसको किया है। यानी सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिकेशन या आप कह लें कि बहुत ज़्यादा रिवायात हैं वो इस मनाजात की हैं। तो कोशिश करें बहरहाल कि शब की तारीकी में तन्हाई में सोने से पहले कुछ जुमले इस दुआ के इस मनाजात के जो है वो जमजमा करें, क्योंकि बहरहाल इंसान अपने अल्फाज से पहचाना जाता है। हमारे पास अल्फाज नहीं हैं कि हम उसको कैसे पुकारें। अहले बैत जानते थे कि अल्लाह को पुकारना कैसे है। तो बहरहाल जिस तरह उन्होंने कहा है उन लफ्ज़ों को पढ़ें, और इंशाल्लाह कि हमें भी तौफीक होगी चंद जुमले नयाम में मनाजात शाबानिया आपकी खिदमत में पेश करें। देखें जश्न होते ही रहते हैं और ये उनकी तौफीक है कि अपने जश्नों में हमें बुला रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, गोया हम खुद भी सुन रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं, कान को अपने भी सुनाई रहे होते हैं, लेकिन हदफ ये है कि जो वो चाहते हैं वैसे हो जाओ तो जश्न दायमी हो जाएगा, जश्न महदूद नहीं होगा। अभी यहाँ थोड़ी देर तो वाह वाह की चले गए, सब ख़त्म हो गया, लेकिन जैसा वो चाहते हैं अगर वैसा जश्न हो जाए तो फिर मेरा पूरा वजूद हर वक्त जश्न की हालत में है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम कुछ चीज़ें यहाँ से लेके जाए। मैंने पहले भी आपकी खिदमत में कहा कि सब ज़रूरी नहीं है कि सारा सबक याद करें, एक लाइन याद हो जाए तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। एक मिनट भी, एक चीज़ भी आप यहाँ से उठ के लेके चले जाएं, उसको अपने वजूद पे इम्प्लीमेंट करें, अपने वजूद पर डालें, ताकि वो एक मिनट आपकी ज़िंदगी के कई साल पर भारी पड़ जाए। ये मुहिम है, वरना बोले मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सारी चीज़ें की, लेकिन ज़िंदगी हिल ही नहीं रही है, ज़िंदगी में कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा है, ज़िंदगी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। मैं आज तक अपनी परेशानियाँ हल नहीं कर पा रहा, मैं आज तक अपनी परेशानियां समझ नहीं पा रहा, तो फिर मैं इस दरसगाह से जो पूरा साल खुली रहती है, जिसको सिखाने वाला हुसैन इब्ने अली है, तो मैं तब्दील क्यों नहीं हो रहा भाई? यहां गलती कहां है? क्या दर्स देने वाले की गलती है या इस दरसगाह की गलती है? इसका मतलब है कि मेरे अपने अंदर कुछ इश्यूज हैं, मेरे अपने अंदर कुछ प्रॉब्लम है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, कोशिश यही है कि हम इन चीज़ों को दूर करें और आगे की तरफ बढ़ें। कुछ जुमले कि आपकी समातों की नज़र
और छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाल मुहम्मद। वो पब्लिक भी हमारी आराम आराम से आती है, ज़ाहिर है हमारा ट्रैफिक भी है, मैं इन सारी चीज़ों को समझता हूँ, हालात भी हैं, लेकिन बहरहाल हम लोग आदत भी है हम लोगों को, ये अभी तो टाइम है, निकल लेंगे, चले एक दो कप चाय और पी लेते हैं, कुछ टीवी में देख लेते हैं। खैर है, मौलाना भी आधे घंटे में गर्म होते हैं, थोड़ी देर में ही पहुँचेंगे जब आखिरी के कुछ मिल जाए। अब मौलाना भी बेचारा रोक के रखता है, चार छः अच्छी जो आते हैं आखिर में करूँगा, कहीं ये ना सब महरूम रह जाए, तो उस चक्कर में जो है ना हमें भी गाड़ी में गियर डालने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, थोड़ी थोड़ी देर में पब्लिक जो है वो आ रही होती है, सलावत भेज दे मोहम्मद वाले लेकिन याद रखें जिसको पता चल जाए कि परवाज अपने वक्त उड़ेगी और कभी भी अपनी परवाज में लेट नहीं आएगा, जाने मोहतरम ये वो परवाज है जो जन्नत में लेके जाती है, तो जहां जितनी देर करेंगे ये आप यकीन करें वो लज्जत जन्नत की रह जाएंगी, क्योंकि कुरान खुद कह रहा है कि जो पहले आते हैं उनसे वो साबिकून है, यानी कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता, जो रह गया वो रह गया। दोनों में फर्क है, ये तो नहीं कह सकते कि मैं बिल्कुल आखिर में आया कुछ समेट, वो जो पहले आया था वो ज्यादा समेट के जाएगा, क्योंकि जितनी देर बैठा है मलाइका उसके ऊपर निगाह किए हुए हैं, और मलाइका तीन ही काम करते हैं रिवायात की रूह में, या वो दुरूद भेजते हैं, या वो इल्हाम करते हैं, या वो नुजूल करते हैं। तो अब हम किसी तो एक हालत में हो कि कम अज कम पर अगर कुछ नहीं तो मलाइका दुरूद तो भेज रहे हो, दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे छठे इमाम सजदे की हालत में हैं और सजदे की हालत में दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार जिसने इस ज्यारत के लिए जितना खर्च किया उसे उससे ज्यादा लौटा दे, जिसने इस ज्यारत पर अजियत हुई परवरदिगार उसे आराम अता कर, परवरदिगार जो अपनी जितनी ख्वाहिशात लेकर इस ज्यारत पे गया उसकी ज्यारतों में उसकी ख्वाहिशात को पूरी कर। रावी कहता है कि इमाम ने सर सजदे से हटाया तो मैंने कहा मौला ये किसकी ज्यारत का जिक्र कर रहे हैं, कहा हुसैन इब्ने अली की ज्यारत का जिक्र कर रहा हूँ। कहा मौला ये जो आपने सवाब बयान की ये तो बहुत ज़्यादा है, यानी इतना ज़्यादा है ये जो आपने दुआएँ की इमाम की ज्यारत के लिए। कहा दुनिया वाले से ज्यादा आसमान वाले इमाम हुसैन की ज्यारत के लिए दुआ करते हैं।